नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम CH4 के बारे में पढ़ेंगे, मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं, सर हम मीथेन के बारे में आज क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम CH4 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम प्रीलिम्स, UPSC प्रीलिम्स और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन को अगर हम डिकोड करें, तो हमें ये समझ में आता है कि वो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो पूछते हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध या रिलेशन जो होता है आज के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसलिए वो जानना चाहते हैं क्या आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक्स मालूम है या नहीं है। तो आज का टॉपिक हम एक तो हम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो है हम मुख्य परीक्षा में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं या फिर जो प्रीलिम्स में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हम उन सभी को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जो आपको जानना जरूरी है। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें भी कवर की हैं जो आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। तो हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में मीथेन को इसलिए देख रहे हैं बिकॉज पहली बात तो एक रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। तो इसमें मीथेन के बारे में बोला गया है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम जो है पाइपलाइन है, उससे भी मीथेन लीक हुआ है। तो आपको पता है कि जो कि रशिया से जर्मनी के लिए जो गैस सप्लाई करती है, उसमें मीथेन का लीकेज हुआ था। इसलिए हम लोग जो है आज मीथेन को पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए लेक्चर को, उसमें मैं सारी चीजें आपकी कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जो मीथेन है, ठीक है, देखिए, तो जो मीथेन है, एक एक चीज़ हम आपको समझाते हैं कि मीथेन का जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन को CH4 कहते हैं, ठीक है, इसको हम CH4 कहते हैं और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, CH4 लिख लिया, उसके बाद हम इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मीथेन क्या है। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब आप बोलेंगे सर ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब वो गैसें होती हैं जो कि इन एटमोस्फियर में टेम्परेचर को, पृथ्वी के टेम्परेचर को या पृथ्वी के वातावरण में तापमान को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो मीथेन क्या है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। ये टॉपिक अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि मीथेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अब मीथेन जो है इसमें क्या लिखा है कि मीथेन इज, देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इमिशन आफ्टर CO2, ठीक है। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है कह सकते हैं कि जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी ऐसी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी ऐसी गैस है जो कि एक इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण गैस है। मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन After CO2, ठीक है, CO2 के बाद मीथेन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मीथेन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, ध्यान रखना, मीथेन जो है CH4 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जो है क्या है, देखिए क्या लिखा है, 27 टाइम्स हायर देन CO2। मतलब ये इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। किस चीज का पोटेंशियल है, देखिए आप इधर, इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज एटलीस्ट 27 टाइम्स हायर देन CO2, ठीक है। इसका जो है 27 टाइम्स जो है ज्यादा पोटेंशियल है, ये ज्यादा प्रभावकारी है कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में जनरली आप देखेंगे पेपर बनाने का तरीका होता है, तो वही पूछते हैं कि भाई जो मीथेन गैस है उसके सोर्सेस क्या है, उसके स्रोत क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि, हिंदी में उसको आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स का मतलब होता है जो झीलें होती हैं जहाँ पे पानी भरा होता है, राइट, रामसर साइट्स आपको पता होगा वेटलैंड्स कैसे कहते हैं, झीलें हो गया, ठीक है, और आर्द्र भूमि उसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की किडनी होती है वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स आप समझ लीजिए वेटलैंड्स क्या होता है, इनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमि से भी क्या होता है, कह सकते हैं CH4 मीथेन निकलता है हाईएस्ट प्रोपोर्शन। एक चीज ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मीथेन जो गैस है
हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ CH4 गैस अबाउट 76%, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो सोर्सेज है, वेटलैंड्स हो गया, वेटलैंड्स के बाद फिर इसके जो सोर्सेज हैं ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी इसका सोर्स है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जो धान के खेत होते हैं, ठीक है, धान के खेत होते हैं उनसे भी जो है मीथेन गैस निकलती है। धान के जो खेत होते हैं, पैडी जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि जो कैटल्स होते हैं जब वो डकार लेते हैं, राइट, जब वो गोबर करते हैं तो उससे भी क्या निकलता है, उससे भी मीथेन गैस निकलता है। कोल माइनिंग से भी निकलता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वाटर का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उससे भी निकलता है। इंडस्ट्रियल प्रोसीजर जो प्रोसेस होता है उससे भी मीथेन निकलता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर हमने जो है इन चीजों को समझ लिया। देखिए ऑयल एंड फॉसिल गैस ऑपरेशंस, अभी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से मीथेन लीक हुआ है। मीथेन क्या है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील मतलब उसमें आग लग सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई हैं वो हमको केवल समझनी है। मेजर शेयर ऑफ मीथेन इमिशंस कैम फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि मीथेन जो गैस है, मीथेन गैस का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, जो कि 46% है, 46% फॉलोड बाय जो है एनर्जी, उसके बाद एनर्जी 32% है, और उसके बाद जो वेस्ट है, ठीक है, तो कचरा है उससे 20% जो है ये गैस निकलती है। आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट करते चले, क्योंकि ये जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे तो आपको इन्हीं चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। आगे हम देखेंगे कि इसमें मेजर्स इंक्लूड रिड्यूसिंग, अब हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स क्या ले सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया इसमें कि क्या क्या हमको करना चाहिए। तो इसमें फूड वेस्टेज और लॉस को कम करना चाहिए, हमको ये बताया गया है, ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा जो है इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, मेजर इंक्लूड रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एंड लॉस, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसको हमको क्या करना है, खाने की जो बर्बादी होती है, नुकसान होता है, उससे भी हमें क्या निकलता है, फेंक देते हैं उससे क्या निकलता है, उससे हमें निकलता है CH4। इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, पशुधन का मैनेजमेंट इम्प्रूव करना, क्योंकि उससे भी अमोनिया निकलती है। और उसके बाद देखेंगे कि हेल्दी डाइट्स, ठीक है, वेजिटेरियन और विद और लोअर मीट एंड डेयरी कंटेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस पर भी हमको क्या करना है, हेल्दी डाइट्स के बारे में बताया गया, तो ये भी ध्यान रखना कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गैस लीक मैंने आपको बताया, गैस लीक जो है डिटेक्शन एंड रिपेयर रिकवरी, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अभी नॉर्डिक कह सकते हैं गैस पाइपलाइन जो है, जो मैंने आपको बताया नॉर्ड स्ट्रीम जो है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, राइट, उसमें गैस लीकेज हुआ था तो अमोनिया उससे निकली, तो उस अमोनिया समुद्र में निकलेगी तो क्या करेगी, मैरीन इकोसिस्टम को खराब करेगी, डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि देखिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें इसके द्वारा भी हम इसको सुधार सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात हमको ये समझनी है कि जब COP26 हुआ था ग्लासगो में, ठीक है, COP26 क्या है, COP26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जब मीटिंग होती है, तो 26 की जो मीटिंग हुई थी ये जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर जो मीटिंग होती है, क्योंकि अभी COP27 होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, इजिप्ट में होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, यहाँ पे मीथेन के लिए एक समझौता हुआ था। समझौता का मतलब लोग बोलते हैं भाई हम भी कम करेंगे, हम भी मीथेन कम करेंगे, तो एक ऐसी देशों ने प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है, प्रतिज्ञा ली थी जिसमें साइन किए थे, ठीक है, एग्री टू टेक इमिशन, मतलब हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ऐसा देशों ने क्या किया था, अपनी एक कमिटमेंट किया था कि हम अपना मीथेन, भाई जो है ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत समस्या है दुनिया के लिए, तो हम लोग कम करेंगे। तो मीथेन इमिशन G20 हैविंग इंक्रीज, और कह सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है कि सब लोगों ने कहा था कि जो G20 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, हैविंग इंक्रीज बाय 1.4% बिटवीन 2015 एंड 2019, क्योंकि क्या हुआ है, इमिशन क्या बढ़ा है, ठीक है, G20 कंट्रीज है उनका इमिशन बढ़ा है। तो इन्होंने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, इस इमिशन को हम कम करेंगे बाय एटलीस्ट 30%,
30% तक हम कम करेंगे, कब से? 2020 के लेवल पे, और हम कब तक करेंगे? 2030 तक करेंगे। तो ये कमिटमेंट किया था, ये प्रतिज्ञा की थी। अब साइन इसमें जो है आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इमिशन करते हैं, ठीक है, मीथेन का सबसे ज्यादा इमिशन कौन कौन करता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है, चाइना करता है, ठीक है, इंडिया करता है, रशिया करता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल में इस पे कह सकते हैं इस कमिटमेंट को मान लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस कमिटमेंट को मान लिया है या हस्ताक्षर कर लिया है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पूछा जाता है कि सोर्सेज क्या है, तो मैंने सोर्सेज लिखे हैं, ये आप नोट कर लेना। पैडी फील्ड्स, कोल्ड माइंस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रियर कैटल्स, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आई, अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से हमें चीजें समझनी है, इसमें क्या समझना है, देखो मीथेन इमिशन इज स्टिल राइजिंग, मीथेन का जो इमिशन है, उत्सर्जन है, वो लगातार बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया। सिक्स G20 मेंबर्स डिड नॉट साइन, G20 जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक्चुअली रिपोर्ट G20 कंट्रीज के लिए बनाई गई है, तो इसलिए हम G20 कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो G20 कंट्रीज जो है, ठीक है, सिक्स G20 मेंबर्स डिड नॉट साइन, G20 कंट्रीज में 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर दिए हैं, ठीक है, ये आपको अपडेट ध्यान में रखना होगा। क्या भारत ने साइन किए हैं? नहीं, भारत ने साइन नहीं किए। देखिए, डिड नॉट साइन द ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये देखिए, ठीक है, भारत ने क्या किया है, भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं मीथेन वाले समझौते पे। तो ये देखिए, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो जो रेड है इन लोगों ने साइन नहीं किए हैं, ठीक है, और जो जो बाकी के दूसरे कलर में है ये इन्होंने साइन कर दिए। इंडिया ने साइन नहीं किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर दिए, तो ये अपडेट है। अब देखेंगे कि जो इमिशन है, राइट, इमिशन सबसे ज्यादा देखिए कौन कर रहा है, इमिशन चाइना कर रहा है, देखिए आप, उसके बाद फिर आपका देखिए यूएसए है, इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, तो ये चीजें हमको समझनी है। तो जो मीथेन के बारे में हमने आपको जो चीजें बताई हैं, इसके बेस पे हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो ये है, पहला प्रश्न ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइस फील्ड्स, कोल माइनिंग, वेटलैंड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? तो आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर, मैंने आपको वेटलैंड्स बताया था। क्या पूछा है कि विच ऑफ द अबव इज सोर्स ऑफ मीथेन, अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, आईएस प्रीलिम्स 2008 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइस फील्ड भी है, कोल माइनिंग भी है, वेटलैंड्स भी है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The gas which is produced by paddy fields and is involved in global warming, कौन सी है? मीथेन गैस है, ठीक है। देखिए, ये UPPCS mains 2017 में प्रश्न पूछा गया है। The gas which is emitted in the paddy fields and increase the earth temperature, ये थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, ठीक है, मैथीन है, मीथेन है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, मीथेन इज द इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो दीमक होता है, ठीक है, दीमक और पैडी फील्ड्स ओनली, तो इसका जो आंसर है ये दोनों आंसर है, इससे भी कह सकते हैं कि क्या इससे भी निकलता है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर, देखिए तो ये इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजों से जो है ये मीथेन गैस निकलता है। तो हम इसको आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो मैं समझा चुका ही हूं आपको, इसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो कि कह सकते हैं आपको मैं समझा चुका हूं, आप इसमें से लिख सकते हैं। इंडस्ट्रीज से भी निकलता है, वेस्ट से भी निकलता है मीथेन जनरेटेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन लैंडफॉल्स, जहां पे कूड़ा जमा किया जाता है, ठीक है, एक साथ कचरा जमा किया जाता है, वहां पे मीथेन गैस निकलती है। एग्रीकल्चर से तो है ही है, तो आप इसको एक बार नोट कर लें इसको, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्यों बता रहे हैं इसको, देखो, बाल्टिक सागर में फूटा मीथेन बम, नॉर्ड स्ट्रीम लीकेज से पूरे यूरोप में मचा हाहाकार, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जो है, ऐसा न्यूज जो है आया था। मीथेन लीकिंग फ्रॉम द
डैमेज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस, ठीक है। एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस जब मीथेन निकलेगा, कहां पे निकला था ये आपको ध्यान रखना है, बाल्टिक सी, ठीक है। यूज वॉल्यूम्स ऑफ मीथेन इनटू द बाल्टिक सी एटमॉस्फेयर, तो आप जान सकते हैं कि ये चीज इसलिए मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि ये कह सकते हैं कि मीथेन पूरे मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, ये काफी चर्चा में था। तो देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से हर घंटे, ठीक है, 22,920 किलो गैस का रिसाव हो रहा है जो 2,85,000 किलो कोयले को जलाने के बराबर है, ठीक है। मीथेन गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए करीब एक चौथाई जिम्मेदार माना जाता है, 1/4 ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इतना है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारी संख्या में समुद्री क्या नुकसान होगा, समुद्री जीव जंतु नुकसान होगा, मैंने आपको बताया, मैरीन ट्रांसपोर्ट भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और फूटने से मीथेन गैस का जो है रिसाव अब तक का सबसे बड़ा क्या है, लीकेज है ये, तो ये चीज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में समझाया कि कार्बन इमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, लीक्स इज इक्वलेंट टू द एनुअल कार्बन इमिशन फ्रॉम 2 मिलियन कार। देखते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए आप ये जो है आपका रशिया से लेके ये जर्मनी तक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है आप ध्यान से पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीथेन, मीथेन के बारे में क्या सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन और डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होती है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए जब मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि जो हम कह सकते हैं जो कचरा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, तो जब वो टूटता है ऑर्गेनिक मटेरियल में तो उससे मीथेन निकलती है, तो पहला तो सही है। दूसरा, इसमें दूसरा सही नहीं है, तीसरा जो है इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लास्ट लॉन्ग नहीं होती है, एक 10 साल के बाद जो है 10 साल या 12 साल में क्या हो जाती है, ये एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 3 ये सही है, इस चीज को भी आप नोट कर लेना। तो ये चीज मैं आपको सब समझा चुका हूं, अब यहां पे देखना हमको ये है कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं कि जो मीथेन है जो लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, CO2 में। तो जो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं फ्लेरिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नोट कर लो। उसके बाद देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है आपका कह सकते हैं CAPF में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है राइट मीथेन के द्वारा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अभी बता चुके हैं क्या कहते हैं, फ्लेरिंग कहते हैं। एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, एक्चुअली ये थोड़ा सा रिलेटेड तो है, जैसे स्टबल बर्निंग होता है, अभी आपने देखा पराली जलाते हैं, तो इससे पराली जलाने से क्या क्या चीजें निकलती हैं सब पूछा है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 तो मीथेन भी शामिल है उसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ध्यान रखना इसमें मीथेन भी निकलती है जलाने से। अगला क्वेश्चन है जो आपको देखना है, जो UPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, प्रीलिम्स लास्ट ईयर के पेपर बहुत जरूरी होते हैं, उनके बेसिस पे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है हमें एक कॉन्सेप्ट हमारा जो बनता है एक वाइड कॉन्सेप्ट बनता है, तो इस चीज के लिए हमको जानना जरूरी है। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स, ठीक है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है हिंदी में देखिए कि मीथेन हाइड्रेट्स के जो निक्षेप है उनके बारे में कौन से कथन सही है। तो पहला क्या है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मेथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट्स, तो ये जो मेथेन हाइड्रेट्स के जो डिपोजिट्स होते हैं क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ऐसा पूछ रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा साहब, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेथेन हाइड्रेट्स के जो डिपोजिट्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला सही है। दूसरा, लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मेथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, एकदम सही है। तो एक चीज आपको ये लिखना है कि जो मेथेन हाइड्रेट होते हैं ये आर्कटिक में पाए जाते हैं, आर्कटिक कहाँ पर है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल है वो आर्कटिक एरिया है, टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, ठीक है, तो ये दूसरा सही है, ये नोट कर लेना। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड ऑफ 2, तो ये कुछ समय के बाद 1 दशक के बाद क्या हो जाता है, 1 और 2 दशक के बाद क्या हो जाता है, ये
ये लंबे समय तक नहीं रहता और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। तो ये तीनों सही है इसका आंसर। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, वही चीज बताई गई है कि 2 साल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 सही है। तो मैंने आपको जो चीजें ये समझाई हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मीथेन का टॉपिक करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो गया है, आपके बेसिक भी कंप्लीट हो गए हैं, और ये एनवायरमेंट का जो पोर्शन है, एनवायरमेंट के बारे में आपको जो पढ़ना था उसके बारे में मैंने आपको जो है इन सारी चीजों को आपके सामने रखा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप अच्छे से नोट्स बना लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।